शुद्ध देसी किचन पे आपको फनस का बिरयानी कैसे बनाते हो बता रहे। फनस मतलब कटहल है, कटहल का बिरयानी कैसे बनता है। ये कटहल है, आधा किलो कटहल ले लीजिए, इसको छिलका निकाल के देते हैं, वो काट के बताएंगे आपको फ्राई कैसे करते। कांदा है 250 ग्राम, चॉप्स किया बारीक बारीक काट लीजिए। लहसुन अदरक मिर्ची एक टमाटर उसके साथ गार्लिक पीस लेंगे। 100 ग्राम कांदा को चॉप्स करके फ्राई कर लिए हैं। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जीरा, इलायची, लौंग एंड काली मिर्च सब राइस में डाल देंगे। राइस को भिगा के रख दिए। पहले तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा ताकि कटेगा तो लगेगा नहीं आपको। इस तरह से इसको निकाल दीजिए साइड से। जैसे मटन का कैसे पीस बनता है इस तरह से आप उसको काट लीजिए। सेम मटन बिरयानी चिकन बिरयानी का टेस्ट जो आता है इसमें भी वही टेस्ट आता है। तेल गरम है छोड़ दीजिए ऐसे। आज में इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। इस तरह से आप लाल फ्राई करके डाल लीजिए। चावल देखिए आधा घंटा पहले भिगा दिए, इसमें जो है पानी डाल दीजिए 2 लीटर। आधा किलो राइस है, इसमें आप धनिया पत्ता जो है इस तरह से आप तोड़ के डाल दीजिए। उसके बाद एक पुदीना जो है इसमें तोड़ के डाल दीजिए। इसमें तेज पत्ता, थोड़ा जीरा यूज करेंगे, दालचीनी, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची थोड़ा सी डाल देंगे, थोड़ा सा तड़का फ्लेवर के लिए रखेंगे। लौंग 2 चम्मच, नमक डाल देंगे, हल्का कच्चा और आधा पक्का रहना चाहिए। हाफ बॉइल मिक्सी में टमाटर 1 यूज करेंगे। ये हरी मिर्च है, 5-6 पीस हरी मिर्च यूज करिए काट के। लहसुन है 100 ग्राम लहसुन आसपास है, अदरक का टुकड़ा है ठीक है। तो मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। जब तक राइस आपका बन रहा है ऑयल जब तक हो जाता है तब तक आप घी इसमें या मसाला फ्राई कर लीजिए। 2 स्पून के ऊपर घी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें ऊपर से जीरा डाल दीजिए। उसके बाद तेज पत्ता, दालचीनी जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें उसमें डाल दीजिएगा। कांदा डाल दीजिए, चॉप किया हुआ जो है। ये राइस हो गया है आधा। हल्का कांदा फ्राई हो गया है। अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट और एक टमाटर का जो बनाए थे ये इसमें डाल दीजिए। मसाला है धनी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और गरम मसाला सब इसमें मिक्स करके डाल दीजिए। फनस जो फ्राई किए थे वो अभी इसमें डालेंगे, जिसको कटहल बोलते हैं। तो कटहल की बिरयानी बन रही है शुद्ध देसी किचन पे। तो इसमें हल्का सा एक गर्म पानी डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये 2 चम्मच नमक उसमें डाले थे हम राइस में, तो इसमें हल्का सा 1 टीस्पून के बराबर आप नमक डाल के मिक्स कर दीजिए। ये देखिए दही है 250 ग्राम, तो दही इसमें। देखिए ग्रेवी इसका रेडी है चटनी का। तो इसमें से हल्का सा जो ग्रेवी है आप निकाल लीजिए ऊपर से लेयर लगाने के लिए। ऊपर का जो चावल रखेंगे उसको भी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए काम आएगा आपको। और ये चावल जो है ये ऊपर से ऐसे डाल दीजिए। इसके ऊपर से जो कांदा फ्राई करके रखे थे इसका लेयर लगा दीजिए। थोड़ा सा केसर डालेंगे फ्लेवर के लिए। ऊपर से घी डाल दीजिए। और ये चावल जो है ये ऊपर से ऐसे डाल दीजिए। अब इसके ऊपर से ये कटहल डालें। ये डालने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो कांदा है वो डाल दीजिए, थोड़ा केसर का पानी जो है साथ में वो डाल दीजिए। राइस वापिस से इसको जो कांदा बचा हुआ है यूज कर लीजिए। अब पानी भी केसर भी थोड़ा सा घी डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए इसको ढक के आप छोड़ दीजिए। तो जब तक बिरयानी बनता है इसके खाने के लिए आप रायता बना लीजिए। थोड़ा सा टमाटर डाल दीजिए इसके अंदर, दही के अंदर थोड़ा सा कांदा डाल दीजिए काट के एक बारीक बारीक, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे।
जीरा पाउडर फ्लेवर के लिए, काली मिर्च एंड सॉल्ट। अब ये तीनों चीज को मिक्स करके जो कटहल का बिरयानी, अनस का जो बिरयानी बन रहा है इसके साथ आप खा सकते हैं। तो फनस का बिरयानी देखिए बन के रेडी है। तो शुद्ध देसी किचन पे फनस का बिरयानी, कटहल का बिरयानी बन के रेडी है। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा और देखते रहिए शुद्ध देसी किचन और एंजॉय करते रहिए।